जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी पार्षदों का सांकेतिक धरना समाप्त हो गया है। कांग्रेस की बोर्ड को बीजेपी ने अल्टीमेटम दिया है, 4 दिन बाद किया जाएगा घटनाक्रम को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी पार्षदों का आरोप, जनहित के कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे। अगर 4 दिन में घटनाक्रम समाप्त नहीं होता तो बीजेपी करेगी जनहित को देखते हुए बड़ा आंदोलन। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, जरा बताइए, बीजेपी ने अगर सांकेतिक धरना देकर 4 कदम पीछे 4 दिन के लिए खींचे तो बड़ी वजह क्या? देखिए विजेंद्र, 4 दिन से लगातार कांग्रेस की महापौर मुनेश गुर्जर सहित कांग्रेस के पार्षदों का हेरिटेज नगर मुख्यालय में 8 तारीख को निलंबित करने की मांग को लेकर जो धरना चल रहा था, आज उसमें एक अलग ड्रामा देखने को मिला। दरअसल करीब 3 बजे भाजपा के 15 के करीब जो भाजपा के पार्षद है वो हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के जो पार्षद और महापौर, उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है, ऐसे में उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाए और जो पद हैं उनको खाली किया जाए, जिससे भाजपा को काम करने का मौका यहाँ मिले। क्योंकि जिस हिसाब से 4 दिन से लगातार जो धरना दिया जा रहा है उससे जनहित के जो कार्य हैं, क्योंकि मानसून का एक समय चल रहा है, ऐसे में जनहित के कार्य वो रुके हुए पड़े हैं। और उन्होंने आज अल्टीमेटम यहाँ पर कांग्रेस को बोर्ड को दिया है कि अगर 4 दिन के अंदर ये पूरा मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो भाजपा एक बड़ा प्रदर्शन है जनहित के मुद्दे को देखते हुए करेगी। जी भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।